पौड़ी शहर में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पौड़ी की एसएसपी पी रेणुका देवी ने पौड़ी शहर में जगह जगह 12 नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। ऐसा करने से आपराधिक घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि पहले भी पौड़ी शहर में जगह जगह 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो कि सालों से काम नहीं कर रहे थे और खराब हो चुके थे, जिसको देखते हुए उन्होंने अब 12 नए सीसीटीवी कैमरे शहर में लगवा दिए हैं। पौड़ी जनपद में अपराधिक कोई भी अपराध होते हैं उसको वर्कआउट करने के लिए, अपराध को रोकने के लिए हमने सीसीटीवी को ज़्यादा संख्या बढ़ाने के लिए हमने सबको निर्देशित किया है और कहाँ कहाँ पर सीसीटीवी खराब हैं और कुछ मीटिंग्स करके पब्लिक को भी हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज अपना उसमें लगाइए। और इसी उसमें हमने अभी पौड़ी में पहले भी लगा था कैमराज, यहाँ पर 10 कैमराज था, वो बहुत खराब था, अभी सालों भर वो काम नहीं कर रहा था, उसको हमने सही किया, अभी नया कैमराज लगा दिया वहाँ पर। सो अभी हमने पौड़ी में 12 कैमराज लगाया था, इससे हमको बहुत अच्छा एक क्राइम कंट्रोल में, बाकी यहाँ पर सुपरविजन में एक अच्छा मदद हमको मिल रहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नमन चंदौला ने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शहर भर में जो सीसीटीवी कैमरे पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं, ये आपराधिक घटनाओं को रोकने में कारगर साबित होंगे। वहीं उन्होंने स्थानीय जनता से अपनी दुकानों के आगे सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी गुजारिश की है, जिससे कि पौड़ी में असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जा सके। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।